दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इस डिजाइन की 15 रो बनाने सीखी थी। आज हम इसके आगे बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगली रो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसके आगे की 2 डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे इस जगह पर हम 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया करेंगे। फोर डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसके आगे इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। अगली जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इस जगह पे 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया करेंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। फोर डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसी जगह पर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इस तरीके से हमारी ये भी रो बन के तैयार हो गई है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 17 रो बनाएंगे। 17 रो बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारी 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की 2 डबल क्रोशिया में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गई। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और जो 3 चेन का गैप है यहां पर हम 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और जैसे कि हम ये 17 रो बना रहे हैं वैसे ही हम 18 रो बनाएंगे सेम इसी तरीके से। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और 3 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 5 डबल क्रोशिया।
इसके आगे टू चेन बनाएंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इस तरीके से हमारे 17 और 18 राउंड बनके तैयार हो गए हैं और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर ली है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे हमेशा की तरह। ये हमारी वन डबल क्रोशिया हो गई। इसके आगे की टू डबल क्रोशिया में टू डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये थ्री डबल क्रोशिया हो गई। और इसके आगे हम थ्री चेन बनाएंगे और इसके आगे जो थ्री चेन का गैप है यहां पर हम फाइव डबल क्रोशिया फोर चेन और फाइव डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम थ्री चेन बनाएंगे और इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और आगे जो थ्री चेन का गैप है यहां पर हम फाइव डबल क्रोशिया फोर चेन और फाइव डबल क्रोशिया करेंगे। के आगे थ्री चेन बनाएंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे। ये हमारी वन डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की टू डबल क्रोशिया में हम टू डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये थ्री डबल क्रोशिया हो गई और इसके आगे हम फोर चेन बनाएंगे और इसके आगे जो फोर चेन का गैप है यहां पर हम फाइव डबल क्रोशिया फाइव चेन और फाइव डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे फोर चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे जो फोर चेन का गैप है यहां पर फाइव डबल क्रोशिया फाइव चेन और फाइव डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब यहां पर हम बाकी के धागे को काट देंगे। अगली रो बनाने के लिए जहां पर हमने ये स्लिप स्टिच की थी उसी चेन में हम यहां पर गुलाबी कलर को जोड़ेंगे इस तरीके से।
इसके आगे टू चेन बनाएंगे, ये हमारी वन डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम जो टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये थ्री डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके आगे हम फोर चेन बनाएंगे, इसके आगे जो फाइव चेन का गैप है यहां पर हम सिक्स डबल क्रोशिया, फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम फोर चेन बनाएंगे, और इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे जो फाइव चेन का गैप है यहां पर हम सिक्स डबल क्रोशिया, फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया करेंगे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और लास्ट में जो शुरुआत में थ्री चेन थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे, ये हमारी वन डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की जो डबल टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये थ्री डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, इसके आगे जो फाइव चेन का गैप है यहां पर हम सिक्स डबल क्रोशिया, फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, इस तरीके से। अब इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, और इसके आगे जो फाइव चेन का गैप है यहां पर हम सिक्स डबल क्रोशिया, फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया करेंगे, और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे इस तरीके से। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हम थ्री चेन बनाएंगे, ये हमारी वन डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे के जो टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से ये थ्री डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम सिक्स चेन्स बनाएंगे, अब इसके आगे जो है फाइव चेन का गैप है यहां पर हम सिक्स डबल क्रोशिया, फाइव चेन और सिक्स डबल क्रोशिया करेंगे।
और इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे। और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, और इसके जो 5 चेन का गैप है यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया, 5 चेन और 6 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके आगे 6 चेन्स बनाएंगे और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। इस तरीके से लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन में इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है, अब हम बाकी धागे को काट देंगे। इस तरीके से हमारी डिजाइन बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।